हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, एक लेटर आया है, एक ऑर्डर आए हैं, ठीक है। इन ऑर्डर्स के बारे में किससे रिलेटेड है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर जो 2024 में बच्चे लगे हैं, ठीक है, 1/2024 की जो नोटिफिकेशन थी उसके जो बच्चे लगे थे उनके लिए है मेन। तो ये देखिए आप, ऑर्डर क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू असाइन द फॉलोइंग एडिशनल चार्ज अकम्प्लिश इन इंटरमीडिएट पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी के लिए है। गवर्नर ने इनको एडिशनल चार्ज दिया है, जो भी नीचे जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, उन सभी को एडिशनल चार्ज दिया है ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए है भाई, अच्छी न्यूज़ है। द चीफ अकाउंट ऑफिसर विल हैड डिविजनल अकाउंट कमेटी, ये कमेटी बना दी है, इसको CAO चीफ अकाउंट ऑफिसर हैड करेगा। और लिस्ट एम्प्लॉयज एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स रेज्ड DDO डिविजनल कमिश्नर कंसर्न इट विल बी फॉरवर्डेड टू कंसर्न ट्रेजरी, ठीक है। ये इनको वेरीफाई करने के बाद ट्रेजरी को भेज दिया जाएगा और उनकी सैलरी डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये उसके लिए है। और इनको कहा गया है कि 2 डे पॉजिटिवली आज ही रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इन सभी ऑफिसर को कहा गया है कि जो भी आपको डिवीज़न दिया गया है उन सब उसमें आज ही अपनी रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ये नीचे देखिए, ये देखिए क्या चीज़ है इसमें। डिवीज़न की बात करते हैं, जब अंबाला डिवीज़न में CAO चीफ अकाउंट ऑफिसर राकेश कुमार राठी जी हैं और JDPDS सेल पंचकुला से ये हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी पोस्टिंग है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर SAO किसको दिया गया है, इसमें दो हैं, प्रदीप कुमार जो हैं ऑफिस ऑफ कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंबाला से, और दो सेकेंड है श्री अरुण कुमार जी सेक्रेटरी कम लेबर कमिश्नर, ठीक है, हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंचकुला। इन दोनों में ये अभी वर्किंग हैं CAO, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। और अकाउंट ऑफिसर कौन कौन इनके साथ अटैच किए गए हैं वो उसके लिस्ट ये है। गौतम चोपड़ा जी हैं और ये हैं सिविल सर्जन अम्बाला के ऑफिस में। उसके बाद आजाद सिंह जी हैं जो कि MC अम्बाला कैंट और सदर में वर्किंग है फिलहाल, और भूपिंदर कुमार जी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिस में SSC जिसको बोल रहे हैं वो अम्बाला में। सुरेंद्र शर्मा जी हैं जनरल मैनेजर ऑफिस हरियाणा रोडवेज अंबाला में, ठीक है। तो इनको इसका चार्ज दिया गया है। इसी तरीके से बाकी भी हैं, बाकी आप देख सकते हो ये लिस्ट है अपने ग्रुप में आई हुई है, ठीक है। तो करनाल में ओम्बी राणा जी रहेंगे और रोहतक में राजेश कुमार मनोज, ठीक है, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक जिसको PJ रोहतक बोलते हैं वहाँ पर वर्किंग है। और हिसार से मनोज कुमार, ये डिवीज़न की बात है, डिवीज़न, ठीक है, कौन से डिवीज़न में कौन हेड रहेगा और कौन इसके जो कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। मनोज कुमार जी ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है, हिसार का जो है चार्ज इनके पास रहेगा, हिसार डिवीजन का, ठीक है। तो ये लिस्ट थी और इसी के साथ ये नीचे देखिए, नीचे इसमें दिया गया है, ये सभी 6 डिवीजन के बारे में है और ये कॉपी करी गई है, ये इनको प्रिंसिपल अकाउंट जर्नल को और चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा HRD ब्रांच डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और ऑल द कंसर्न ऑफिसर, इन सभी कंसर्न ऑफिसर्स को ये कॉपी की गई है। तो ये मेन क्या था कि जो इनकी सैलरी आनी है अभी ग्रुप डी एम्प्लॉयज की, उनकी सैलरी डालने के लिए, ये बिल वगैरह वेरीफाई करने के लिए, और जो भी कमेटी बनी है वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगी और इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी डाली जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।